मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा से मिलने वालों का तांता लगा हुआ है। मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, गौतम दग और जवाहर बेढम ने मुलाकात की। प्रदेश मंत्री भूपेंद्र सैनी ने भी मुलाकात की। सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने भी मुलाकात की। इसके अलावा उनित कर्दावट, सुभाष मेहरिया, प्रेम सिंह बाजोर, हरिराम रिणवा, वीरेंद्र मीणा, पूर्व मंत्री और डॉक्टर विक्रम सिंह गुर्जर ने भी मुलाकात की। तस्वीर आपको दिखा दें। तो प्रदेश मंत्री भूपेंद्र सैनी ने भी मुलाकात की है, सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने भी मुलाकात की है। इसके अलावा पुनीत कर्दावट है, सुभाष मेहरिया है, प्रेम सिंह बाजोर, हरिराम रिणवा, वीरेंद्र मीणा, डॉक्टर विक्रम सिंह गुर्जर ने मुलाकात की है। और मुख्यमंत्री ने जब से जिम्मेदारी संभाली है तब से ही न सिर्फ आम जनता में बल्कि नेताओं में भी उनका क्रेज बढ़ता जा रहा है। देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उनसे आशीर्वाद लिया, नव नियुक्ति पर जताया आभार। दरअसल उनको सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। प्रेम सिंह बाजोर ने आशीर्वाद लिया है और मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया गया है। वही मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचे हैं जांगेड़ सुथार समाज के प्रतिनिधि। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए सर, मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा का आभार जताया गया है। विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के रामगोपाल सुथार के मनोनयन के लिए आभार जताया गया है। सैकड़ों की संख्या में जांगेड़ सुथार समाज के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि और गणमान्य लोग इस दौरान वहां पहुंचे। मेरे सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान जुड़ गए। ऐश्वर्या, क्योंकि मुख्यमंत्री से हर कोई मिल रहा है, इन मुलाकातों को धन्यवाद मुलाकात कहें, सामान्य मुलाकात कहें, या कुछ ऐसे भी नेता आपको दिख रहे हैं जो लोकसभा में अंतिम बार कहना चाह रहे हैं कि हमारा ख्याल रखिएगा? देखिए विजेंद्र, मुख्यमंत्री ने सबसे बड़ी बात यह है कि विश्वकर्मा समाज का ध्यान रखा। विश्वकर्मा, सुथार, जांगेड़ ब्राह्मण, तो जांगेड़ ब्राह्मण समाज जो है वो ओबीसी में आता है और भगवान विश्वकर्मा में विशेष आस्था रखता है, क्योंकि लकड़ी से संबंधित निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वास्तु शास्त्री भी अच्छे होते हैं। तो उन्होंने मुलाकात इसलिए की है कि धन्यवाद आभार जताया है, जो पहली बार बोर्ड का गठन हुआ है इसे लेकर धन्यवाद आभार जताया है। तो दूसरी तरफ एक और बड़ी बात है, इस बार संगठन में भी, भारतीय जनता पार्टी संगठन में भी अजीत मंडल जो कि इसी समाज से आते हैं उन्हें मौका दिया गया है। तो अन्य जो लोग हैं, अन्य समाजों के लोग हैं, उन्होंने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। ओम प्रकाश भड़ाना जो लंबे समय से जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संगठन में थे तो उस वक्त वो ओबीसी मोर्चा, किसान मोर्चा में रहे, तो उन पर निगाह थी। उनको कहा गया कि आप धैर्य रखें, क्योंकि मसूदा से जब उनका टिकट कटा तो उन्हें दुख हुआ। इस बार वो उम्मीद लगाकर चल रहे थे कि क्या पता लोकसभा से कुछ भाग्य आजमा ले, लोकसभा से मौका मिल जाए, लेकिन उन्हें देवनारायण बोर्ड के गठन की तुरंत आवश्यकता थी। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ओम प्रकाश भड़ाना को मुफीद समझा और यही कारण है कि सुखबीर सिंह जौनापुरिया भी उनके साथ आए, जवाहर सिंह बेड़म भी उनके साथ आए और धन्यवाद दिया गया। और उन्हें धन्यवाद इस बात का दिया गया कि गुर्जर समाज का ध्यान रखा है, देवनारायण बोर्ड का गठन किया गया है। तो अन्य मिलने वाले लोगों की भी पूरी फहरिस्त है, जिसमें सीकर के प्रमुख लोग मिले हैं। सीकर के जो लोग मिले हैं उनमें चूंकि सैनिक कल्याण बोर्ड सैनिकों के लिए, सैनिकों की जो प्रतिमाएं स्थापित होती है उनके लिए पहले से प्रेम सिंह बाजोर काम करते रहे थे, तो प्रेम सिंह बाजोर को सैनिक कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। तो ऐसे में सीकर के लोग मिले, जिनमें प्रेम सिंह बाजोर के साथ श्रवण सिंह बगड़ी जो भाजपा के महामंत्री है, प्रदेश महामंत्री है, वो थे, हरिराम रिणवा थे, हरिराम रिणवा के अलावा सुभाष मेहरिया थे, इन सभी ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इनके अलावा मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और गौतम दग ने भी संगठनात्मक मामलों पर चर्चा की है। और ओम प्रकाश भड़ाना के साथ एक महत्वपूर्ण तस्वीर और दिखी आज विजेंद्र, वो है डॉक्टर विक्रम सिंह गुर्जर की। डॉक्टर विक्रम सिंह गुर्जर कभी कांग्रेस में थे, कांग्रेस से नाराज हुए और हनुमान बेनीवाल की पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा और अब संकेत ऐसे हैं कि अब विक्रम सिंह गुर्जर भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे, क्योंकि प्रोफेसर रहे हैं, विद्वान रहे हैं। और इन सबके अलावा
एक सवाल और है जो विजेंद्र मुझे आपके भी जहन में होगा कि बहुत सारे समाजों को शामिल किया गया है, संभवतया हो सकता है सुनार समाज के किसी व्यक्ति को प्रवक्ता बना दिया जाए या फिर कोई राजनीतिक नियुक्ति में तवज्जो दे दी जाए, क्योंकि मूल ओबीसी में ऐसी कई जातियां हैं जैसे विश्वकर्मा सुथार समाज है, सुनार समाज है, नाई समाज है, ये ऐसी कई जातियां हैं जो सामान्य तौर पर बहुत बड़ी संख्या नहीं है लेकिन समाज में ठीक संख्या इन लोगों की होती है, तो इन्हें भी ठीक से प्रतिनिधित्व मिले इस बात का ख्याल रखा जाता है और कोई भी सरकार रखती है लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने लिहाज से अपनी बात करती है, कांग्रेस अपनी बात करती है, लेकिन इन सब के से महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री के पास मिलने वालों का नियमित तौर पर एक तांता लगा रहता है, मुख्यमंत्री मिलते सभी से जी ये उनकी खास खूबी देखी गई है, भले ही दूसरे कार्यक्रमों में विलंब भी हो जाए लेकिन जो आ गया उनसे मिलकर जाते हैं, भले ही कुछ सेकंड के लिए मिलकर जाएं लेकिन उनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, आवाज देकर बुला लेते हैं कई लोगों को, तो उन लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कि भाई हमें कई लोग ऐसे आते हैं दूर दराज से कि चलिए देखते हैं कि भजन लाल जी भूल गए या उन या हमारी उन्हें याद है, तो वो आवाज देकर जब बुलाते हैं अरे भाई राजू इस तरीके से आवाज देते हैं तो उनको ठीक लगता है, तो ये दृश्य भी कई बार देखा जाता है। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।